सपाईगढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट पर फिर होगी सियासी जंग। आखिर कौन संभालेगा मुलायम सिंह यादव की विरासत? समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव को मैदान में उतार सकती है सपा। इधर बीजेपी भी छोटी बहू अपर्णा यादव पर खेल सकती है दांव। ससुर की विरासत के लिए छोटी बहू और बड़ी बहू में बड़ी जंग। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मैनपुरी को यूं ही सपाइयों का गढ़ नहीं कहा जाता। पिछले 26 सालों से समाजवादी पार्टी का इस लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव का परिवार ही चुनाव लड़ता आया है और जीत हासिल करता आया है। मुलायम सिंह यादव तो इस सीट पर 4 बार सांसद रह चुके हैं और साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मैनपुरी की जनता ने उन्हें ऐसे वक्त में जिताया था जब पूरे देश में मोदी की प्रचंड लहर चल रही थी। ऐसे में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं का किला ढह रहा था, लेकिन मैनपुरी ने मजबूती से मोदी लहर का सामना किया और दोनों ही लोकसभा चुनावों में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से बड़ी जीत हासिल की। लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब ये सीट खाली हो गई है और नियम के मुताबिक अगले 6 महीने के अंदर इस सीट पर उपचुनाव भी होगा। ऐसे में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत हासिल करने के लिए परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव और छोटी बहू अपर्णा यादव के बीच सियासी जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। डिंपल यादव लड़ सकती हैं चुनाव। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर सपाई मुखिया अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि राजनीति में उतरना उनके लिए भी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो कन्नौज सीट से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने उन्हें कन्नौज में हरा दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने के लिए अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव पर दांव खेल सकते हैं। वैसे भी लोकसभा में अब सपा के पास सिर्फ 2 सांसद हैं, एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क। मुलायम परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में नहीं है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतार सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो डिंपल यादव के लिए ये चुनाव जीतना मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि मुलायम परिवार को मैनपुरी के लोग सर माथे पर रखते हैं और मुलायम परिवार से जो भी इस सीट से चुनाव लड़ता है जीत की गारंटी मानी जाती है। तभी तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव ने नियम के मुताबिक जब मैनपुरी सीट छोड़ी तो सपा ने इस सीट से मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को उतार दिया और वो जीत हासिल कर लोकसभा पहुंच गए। बीजेपी छोटी बहू अपर्णा यादव पर खेल सकती है दांव। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उस वक्त मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंध लगाई थी जब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। बीजेपी में नई नई शामिल हुई अपर्णा यादव के बारे में संभावनाएं जताई जा रही थी कि पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव तक लड़वा सकती है, लेकिन अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया गया और अभी भी उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ऐसा बड़ा मौका आने वाला है जब अपर्णा यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाल सकती है। वहीं बीजेपी भी अपर्णा के दम पर मैनपुरी की सीट हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो नेताजी की लोकसभा सीट पर बड़ी बहू डिंपल यादव और छोटी बहू अपर्णा यादव के बीच ससुर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत संभालने को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ सकती है। वैसे एक बात और है जो अपर्णा यादव के पक्ष में जाती दिख रही है, वो यह है कि मैनपुरी यादवों का गढ़ माना जाता है और अपर्णा यादव खुद यादव होने के साथ साथ मुलायम परिवार की बहू भी है। ऐसे में उन्हें मुलायम के जाने के बाद इमोशनल सपोर्ट तो मिलने की उम्मीद है ही, साथ ही यादव वोट मिलने की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि मुलायम की मैनपुरी सीट पर सपा से डिंपल यादव और बीजेपी से अपर्णा यादव ताल ठोक सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो सियासी विरासत संभालने की जंग में जेठानी और देवरानी के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल सकती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दी थी कड़ी टक्कर। मैनपुरी सीट से खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, यही वजह है कि इस सीट पर ज्यादा उम्मीदवार नहीं थे। कांग्रेस ने जहां सर्वेंद्र सिंह को टिकट दिया था तो वहीं बीजेपी ने प्रेमपाल चाक को मैदान में उतारा था, लेकिन असली मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिला। मैनपुरी भले ही मुलायम परिवार और यादवों का गढ़ माना जाता हो, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल शाके ने भी मुलायम को 2019 के लोकसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी थी और 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। मैनपुरी के 2019 के चुनावी नतीजों पर अगर गौर करें तो सपा उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल शाख को 4,30,537 वोट मिले थे। मुलायम सिंह महज 94,000 वोटों से ही जीत पाए थे। 2019 लोकसभा चुनाव के ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी और सपा के बीच मैनपुरी में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। मुलायम को जहां 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं बीजेपी नेता प्रेमपाल शाक को भी 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, यानी जीत हार का अंतर सिर्फ 1 लाख से भी कम वोट रहा था, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी जीत नहीं माना जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता 5 से 6 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करते हैं और फिर वो 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाले अमित शाह हो या फिर 4 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाले पीएम मोदी हो।
यहां तक कि गुजरात के नवसारी सीट से बीजेपी नेता सीआर पाटिल ने तो 6,89,000 वोटों से जीत हासिल की थी। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 3 उम्मीदवारों की लड़ाई के बावजूद मुलायम सिंह यादव महज 94,000 वोटों से जीत पाए थे, यानी बीजेपी ने मैनपुरी में सपा को कड़ी टक्कर दी थी। और अगर इस बार भी होने वाले उपचुनाव में बीजेपी मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारती है और अगर सपा बड़ी बहू डिंपल यादव को टिकट देती है तो मैनपुरी की जंग में छोटी बहू वर्सेस बड़ी बहू के बीच जबरदस्त मुकाबला हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस सीट से कौन बाजी मार सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।